सो व्हाट्सअप गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त खलनायक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ फार क्राइ 6 के 6th एपिसोड में। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने एक कमांडो रसारियो जिसको ईआई के प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था और जिसके कहने पर लिबर्टाद के लिए फ्यूल सप्लाईज बंद कर दी गई थी, हमने उसको मार दिया था। कैस्टिलो ने अपनी आर्मी से जिस फ्यूल स्टेशन पे कब्ज़ा करवा लिया था, हमने दोबारा से उसको हासिल कर लिया था, उस पे कब्ज़ा कर लिया था। हमने पिछले मिशन में एक एयरक्राफ्ट गन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सब करने के बाद क्लारा का हमारे पास फ़ोन आया था और क्लारा ने हमें दोबारा से अपने कैंप पर बुला लिया था। सो गाइस, जो कोई भी इस पिछले मिशन को डिटेल में देखना चाहता है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर चेकआउट कर लें, चैनल पर भी मिल जाएगा और वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी वीडियो पे जा सकते हो। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी कोई सब्सक्राइब कर रहे हैं वो प्लीज़ 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 नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, दबा दें, उस पर क्लिक कर दें, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुँच जाए। सो गाइस, चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का 6th एपिसोड फार क्राई 6 का। Is won by the feared. What does Anton Castillo fear? Free elections, free expression, free outcasts. Ayara free of Castillos. But he will fear nothing unless you are willing to die for your freedom today. Not when we have more believers or more guns, today. Because today I'm going to punch a hole through Castillo's warships. I am not fearless. I am scared as hell. But I promise you one thing. I will be feared. Viva libertad. Viva libertad. Viva libertad. Let's go home, Grias. Does she know what she's doing? Who cares, Danny? She knows what we need. See you from the sky, guerrilla. लिबर्टाद जिंदाबाद, लिबर्टाद की जय हो। सो गाइस, ये सारे नारे गूंज रहे थे बट उससे पहले बहुत गर्म माहौल हो गया था, मतलब बहुत तनाव भरा माहौल हो गया था क्योंकि क्लारा ने एक मीटिंग रखी थी। उसने मीटिंग में ये बोला कि हमें कैस्टिलो पे हमला करना है, बट वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे जो उसकी गैंग मेम्बर थे, क्योंकि वो लोग क्वान्टिटी में बहुत कम हैं और कैस्टिलो के पास पूरी आर्मी है। तब क्लारा उनको हौसला देती है और बोलती है कि हमें कैस्टिलो को डराना होगा, हम डरते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैस्टिलो के पास सब कुछ है, पावर है, हमारे पास गन नहीं है, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम इस वजह से डरते हैं, बट ये ज़रूरी है कि हमें कैस्टिलो को भी डराना होगा और वो डरेगा जब जब हम उसके शिप्स पर अटैक करेंगे। सो गाइज, अभी फ़िलहाल प्लान यही है कि हम कैस्टिलो के जो शिप्स हैं उन पर अटैक करने वाले हैं, उनको पूरा डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, बट उससे पहले जो है हमें एक एयरक्राफ्ट गन डिस्ट्रॉय करनी होगी, वो हम ऑलरेडी पहले मिशन में कर चुके हैं। सो गाइज, फ़िलहाल अभी हमें जाना है एक टावर पर, वहाँ पर हमें मिलेगा जूलियो और हमें उसी के साथ कैस्टिलो के जो शिप हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होगा। सो गाइज, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो।
hell of a speech you gave. Listen to me. Whatever happens now, I want to thank you for everything you've done for Libertad and for me. Thank me once we blasted through Castillo's blockade. सो गाइज अभी बिल्कुल क्लारा गार्सिया का हमारे पास फ़ोन आया था फिर से, क्योंकि मिशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे पूरी आर्मी होगी और हमारे कुछ बंदे होंगे जो हमें बाहर से सपोर्ट करेंगे। मतलब वो शिप में हमें अकेले ही जाना है, शिप में अकेले ही जाके डिस्ट्रॉय करना है, और बाकी के बंदे जो होंगे वो बाहर से हमें प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे स्काइस मतलब हेलीकॉप्टर से और इन सब चीज़ों से, बोट से। सो उसके लिए क्लारा का फ़ोन आया था, वो हमसे थैंक यू बोल रही थी जो भी अभी तक हमने उसके लिए किया है और लिब्रतात के लिए किया है। सो गाइस अभी फ़िलहाल देखते हैं आगे शिप में क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी हमें लाइट हाउस पे चढ़ना है, वहाँ पे हमारा जूलियो पहले से इंतज़ार कर रहा है और हमें वहाँ पर शिप पे मूवमेंट देखनी है कि क्या क्या है, कैसे कैसे मतलब कितने बंदे हैं, क्या क्या वेपन्स हैं और कैमरा और ये सब चीज़ें, मतलब कहाँ कहाँ लगी हैं, अलार्म्स कहाँ लगे हैं। सो गाइस चलिए चलते हैं फिर लाइट टावर के ऊपर और देखते हैं क्या मूवमेंट्स हैं अभी शिप की, और उसके बाद सीधे मतलब हम शिप पर जाकर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे दोनों शिप्स को और मिशन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे गाइस। Danny, you want to use your camera to check out the defenses on those ships. Look before you leap. If Lita was with us now, she'd be smiling and halfway to those ships already. If Lita was here, I'd kick her ass for keeping you a secret. Take care of yourself, Julio. Clara, I'm on board. This is it, Danny. Clear those ships and don't be afraid of using their own weapons against them. Those turrets pack one hell of a punch. Someone's out there right now. I have no idea. Shit, a camera. Go see. Carrillo, Captain wants the bird seat scraped off the antenna again. Carrillo.
I know you can hear me. Hey, Carrillo, saw your girlfriend.
गाइस, मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना डिफिकल्ट होगा और इतनी ज़्यादा आर्मी होगी यहाँ पर। हेलीकॉप्टर्स भी होंगे यार, दो दो हेलीकॉप्टर्स ऊपर, मतलब दोनों ने मिलके अटैक कर दिया था यार। मुझे तो समझ में नहीं आया मुझे कहाँ भागना है, और यहाँ पर हम मर गए थे। बट जहाँ पर हमें शिप के टॉप पॉइंट पे पहुँचना था, हम वहाँ पर पहुँच गए थे, और उसकी वजह से जो एक शिप हमने क्लियर कर दिया था, मतलब एक शिप पे हमने कब्ज़ा कर लिया था, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब दूसरा शिप की बारी है, तो गाइज वहाँ पे भी मतलब बहुत सख्त पहरा है। अब देखते हैं कैसे कैसे, मतलब क्या क्या करना कर सकते हैं हम। फिलहाल तो मैं सुप्रीमो का यूज़ करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा है सुप्रीमो ही बेस्ट है इन सबको गिराने के लिए। और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं दूसरे शिप पे चढ़ने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तो यार यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर ने ऊपर से हम पे अटैक कर दिया है। बट गाइज प्लीज़ बने रहिए गेम प्ले में, और देखते हैं कि हम दूसरा शिप कैप्चर कर पाते हैं या नहीं। Get the fuck out of here. We couldn't have done it without you, Danny. We're not done yet. I'm going to hang back, set charges, and make sure those ships are running to shit. सो गाइस फिलहाल धानी का तो काम पूरा हो गया है। यहाँ पे जितनी भी मिलिट्री थी सबको मार दिया गया है और शिप्स पे अपना कब्जा हो गया है। बाकी अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, क्लारा हेल्प करेगी हमें यहाँ से निकलने में, बट जूलियो यहीं रहेगा, उसने अभी बोला है। और जब तक शिप उड़ नहीं जाते, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते, जब तक वो यहीं पर ही रहने वाला है। सो फिलहाल अभी क्लारा आने वाली है और हमें उतरना है पानी में, क्योंकि वो बोट से आ रही है हमें लेने के लिए। सो गाइस पानी में उतरते हैं और क्लारा के साथ जाते हैं। जूलियो बाकी का काम ख़त्म करके आ जाएगा। Viva libertad, Danny. Hell of a fireworks show. I have to give you credit, Clara. You fucking did it. We did it, Danny. That was the difference. What's your plan when you reach America? Me and my friend Alejo were going to work shit jobs until we could scrape up some money, open a body shop. If the Yankee blockade taught us anything, it's how to keep things running when you got nothing. That's the dream? Sure, Yankees might pay you to park their cars or pick their fruit, but you'll never be one of them.
The American dream doesn't come in our color. Okay. If we're shitting on dreams, what are you going to do if you win, Presidente Garcia? The next president won't last 6 months before they are assassinated. Wait, what? It's the truth. Won't free election solve that? What happened to your list? It's a vision, Danny. But I'm not as naive as you think. This revolution will free Yara, but won't fix it. When we take the capital, Yara will be burning. Will be civil war, factions, warlords, born-backed coups. Take your pick. Yarens will be killing Yarens for a generation. Uh-huh. This fight will take the rest of my life. Yara is stuck in a cycle of tyranny and revolution. My job is to show us how to break it. This isn't a dream, is it? You have to do this. What makes you say that? No one would choose this. No, Danny. Everyone who follows me, who joins Libertad, chooses this. But you know, I can really see you stocking shelves in one of those giant Yankee supermarkets. Fuck you. No. I just think you'd look good in a little uniform, name tag, maybe a fancy apron. Leave me out of your fantasies, Clara. Bienvenidos a mi casa. My favorite guerrillas. I missed my island. Tonight we celebrate. I'm sorry, Jefa. What's wrong? Julio never checked in. Libertad will kill you fucking truyards! Traidores! Criminales! Puta. Mio, the difference between a true yarn and a fake yarn, it can be hard to see, but it's there. A true yarn understands that loyalty to country is key to his survival. Not justice, not love. Not even family. Loyalty to a vision that looks beyond themselves. Come mierda. Fake Yarens love to be the outcasts. They are addicted to their selfish perversions. Chaos, lies, like wild dogs. But dogs can be broken. They can serve paradise. And if a dog refuses to break like Julio here, like Clara Garcia, like Libertad, then we must put them down. Papa! You've proved your point. Put Julio down. This is a difficult step to paradise, Mio. I understand. But when you achieve our vision, I promise you, there will be no more steps. I'm coming, Lita. Fine. Then, enjoy the show. तो गाइस, जिस मिशन को पूरा करने के लिए जूलियो उन शिप्स पर रुका था, वहाँ वो पकड़ा गया कैस्टिलो द्वारा और कैस्टिलो ने उसको बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। फिलहाल अब धानी फ्री हो गई है, जैसा कि क्लारा ने उसको वादा किया था कि मिशन पूरा होने के बाद वो उसको एक बोट दे देगी और वो जहाँ मर्जी चाहे जा सकती है। बट क्लारा वहीं रुकेगी क्योंकि वो जानती है कि अगर यारा आज़ाद भी हो जाएगा फिर भी उसकी आज़ादी बेकार है, क्योंकि यारा के लोग ही खुद एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, और यहाँ कहीं तरह के मतलब युद्ध भी हो सकते हैं। सो क्लारा यहीं रहेगी जब तक ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती और वो लोगों की मैंटेलिटी जब तक बदल नहीं देती। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा धानी जाने वाली है यहाँ से, क्योंकि जोआन ने क्लारा और धानी दोनों को बता दिया है कि जूलियो मर चुका है। सो गाइस, शायद धानी अब यहीं क्लारा के साथ रुककर यारा में रहकर उसकी मदद करेगी। फिलहाल वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा।
ये एपिसोड यहीं तक था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक दूसरे एपिसोड में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।